ये पक रहा है बथुए का साग। जिसको खून की कमी हो वो इसे ज्यादा से ज्यादा खाए, और जो अच्छा भला हो वो भी खा सकता है। इसको खाने में आपको ताकत ही मिलेगी भरपूर। 4 या 5 ही दिन में खून की कमी पूरी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से भुनता रहेगा इसको। ये देखिए नमक अब डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार डालिएगा, लेकिन थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो नमकीन हो जाता है ये ज़्यादा। और बस हमने कढ़ाई में तेल डाला है थोड़ा सा सरसों का, और ज़ीरा से बघार दिया है। उसके बाद इसको डाल के इसमें नमक डाला है और 3 से 4 हरी मिर्च डाली है। करीब 1 किलो बथुए का साग है ये। बस इसे ऐसे ही भूनते रहें जब तक इसका पानी ना छूट जाए, तो ये टेस्टी बनेगा। इस तरह से भुनेगा ये। देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा थी और अब कितनी कम बची है भुनने की वजह से। लेकिन जितना ही भुनेगा उतना टेस्टी होगा, क्योंकि ये खाने में उतना टेस्टी नहीं होता, इसलिए लोग जल्दी इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से खाएंगे तो बार बार खाएंगे, रोज़ खाएंगे। ये देखिए अब ये बनके तैयार हो गया है, आप इसको खाइए शौक से।